सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु, आप सभी का स्वागत है यहाँ जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी में सीपी और सीजीएल की। और आज हमारा टॉपिक है मैथ्स में परसेंटेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ टाइप्स देखे थे, कुछ सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक समझी थी, फ्रैक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो आज इसी पे आगे बढ़ते हुए लास्ट क्लास में दिए हुए सवाल का पहले जानेंगे जवाब और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम चाहेंगे स्क्रीन पर वो सवाल दिखा दिया जाए जो हमारे कैंडिडेट्स को होमवर्क के तौर पे हमने दिया था। सवाल बड़ा सिंपल सा था बेटा, क्या कह रहा था कि सैम गिव्स 1/3 ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ, 1/7 ऑफ हिज रिमेनिंग टू हिज सन एंड 2/7 ऑफ रिमेनिंग टू हिज डॉटर एंड डोनेट्स द रिमेनिंग रुपीज 4.2 लाख इन द ऑर्फनेज, फाइंड आउट सैम्स टोटल एसेट। अब लोग क्या करते हैं, पहले मानेंगे 100%, ठीक है बेटा, फिर उसका क्या करेंगे 33 सही 1/3% निकाल देंगे, कहेंगे 66 2/3% बचा, ठीक है। फिर इस 66 2/3% का 1/7 का मतलब क्या होता है 14 सही 2/7% निकालेंगे। फिर यहां से जो वैल्यू आएगी बड़ी फ्रैक्शनल में आएगी, वो वैल्यू को इधर रखेंगे माइनस करके, ठीक है। उसके बाद उसका भी कितना 28 सही 4/7% निकालेंगे। फिर यहां पे इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको इधर लेंगे, इसको मान लेंगे 4.2 लाख और फिर सॉल्व करके 100% निकालेंगे, जो बहुत लेंथी मेथड। अगर हमारे पास है ये परसेंटेज का सवाल, पर अगर मैं इसे फ्रैक्शन से सॉल्व करूं तो कितनी जल्दी होगा। देखिए 1/3 वो किसको दे रहा था, अपनी बीवी को, यानी अगर 1 रुपए कमा रहा था तो उसमें से 1/3 भाग इसने अपनी बीवी को दे दिया तो बचा कितना होगा 2/3 भाग, सही। निकालने का जल्दी मेथड क्या है, इसको 3 में से 1 माइनस कर दो उतना ही बचा, 3 था उसका 1 भाग चला गया यानी 2/3 भाग बचा। अब इस बचे हुए का भी 1/7 भाग चला गया तो इसमें से कितना बचा होगा 7 माइनस 1 यानी 6/5 भाग बचा होगा, ठीक है। उसमें भी 2/7 भाग चला गया यानी कितना बचा होगा 7 में से 2 हटा दो 5/7 भाग बचा होगा, ठीक है। ये इतनी धनराशि अब उसके पास बची थी फ्रैक्शन में और वो कितने के बराबर है 4.2 के बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो 4.2 लाख दे रखा है तो हम इसे क्या करेंगे पॉइंट हटा दें तो ये जगह 4,20,000 हो गया और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 × 6 × 5 और ये वाला हिस्सा 3 × 7, सॉरी यहां पे 7 ही आएगा, गलती से लिख गए, × 7, सही है? ये ऊपर चला जाएगा। अब आपने देखा यहां पर 5 × 2 = 10, 10 कैंसिल, 6 से ये चला गया 7,000 बार तो 3 0 तो ये आ गए। अब जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 7 7 7, 7 का क्यूब हो गया, 7 का क्यूब कितना होता है बेटा 3 4 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो 9 12 8 10, 1029000 आंसर आ गया, यानी उसके पास कुल कितने रुपए थे 10,29,000, सही है? अब अगर इसमें किसी का भी भाग पूछा जाता तो आप कैसे निकाल लेते, मान लो अगर यहां पे पूछा जाता बीवी को कितना मिल रहा है तो बीवी को मिल रहा है 10,29,000 का 1/3 भाग, ठीक है। अगर पूछ लेते बेटे को कितना मिल रहा है तो देखो 10,29,000 में से बीवी को देने के बाद कितना हिस्सा बचा होता 2/3 और हमें क्या चाहिए उसका 1/7 भाग। अगर कहा जाता किसको, बेटी को कितना मिला है तो आप क्या करते 10,29,000, ठीक है, 2/3 × कितना 6/7 × 2/7, या फिर अगर बेटी को पूछा जा रहा था तो आप एक चीज समझिए 4.2 लाख तब बच रहा है जब 2/7 देने के बाद,
जो भी हिस्सा था उसका 2/7 देने के बाद कितना बच रहा है, 4.2, तो आप इसे मान सकते हैं 5 और ये 7, सॉल्व करेंगे 5, ठीक है। चलिए, यहां तक हमारा केस सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आज का सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर 20% एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर, यानी दो नंबर है मान लो ए और बी, तीसरे नंबर सी से 20% और 28% कम। मैंने मान लिया तीसरा नंबर 100 है क्योंकि सी से कम हो रहा है तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। अब 100 से पहली संख्या कितनी कम है, 20, यानी ये कितनी हो गई 80, दूसरी कितनी कम है 28, यानी ये संख्या कितनी हो गई 72। अब वो कह रहे हैं फाइंड सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द फर्स्ट नंबर, ये जो संख्या है वो इससे कितनी प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो इससे कितनी कम है बेटा 8, पर 8 आपका आंसर नहीं है क्योंकि अब कंपेयर किससे करना है 80 से, डिवाइड बाय 80 इनटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 10% लेस, कम है ना, 80 से 72 कम है तो 10% लेस आंसर आ गया, सिंपल था। एक और सवाल ऐसा हम लोग देख लेते हैं, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ये वाला और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा गया ध्यान से देखिए, दो संख्या है 20% और 32% ज्यादा है तीसरी संख्या से, कंपैरिजन किससे हो रहा है बेटा, तीसरी संख्या से हो रहा है, तो हमने तीसरी संख्या को अगर 100 माना तो एक संख्या आपकी हो जाएगी 120 और दूसरी संख्या हो जाएगी 132, लिखने की हमें जरूरत नहीं, हमें पता, ठीक है, क्योंकि हमने पहली संख्या को क्या माना था, तीसरी संख्या को 100 माना। अब कह रहे फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द फर्स्ट नंबर, अब यहां पे ध्यान से देखिए ये क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 120 से ज्यादा है इनटू 100, फिर से वही 10% आ गया, पर इस बार क्या है मोर है, ज्यादा है ना, 120 से 132 क्या है ज्यादा है, तो 10% मोर आपका जवाब आ गया। चलिए, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, बड़े सिंपल सिंपल से सवाल है, इसी बात पे फिर हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में कुछ है नहीं अगर हम ध्यान से समझे, कह रहा है स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30% मार्क्स, क्या है अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसे 25% मार्क्स मिलते हैं, ठीक, और वो फेल हो जा रहा है 30 मार्क्स से, यानी अगर उसको 25% में 30 मार्क्स और मिल जाते तो क्या हो जाता बेटा, पास हो जाता, यानी ये अगर इतने मार्क्स ले आता तो पास हो जाता। अच्छा, क्या कह रहे हैं, दूसरा स्टूडेंट 60% मार्क्स ला रहा है, कितने परसेंट मार्क्स ला रहा है बेटा, 60% मार्क्स ला रहा है, ठीक है, और वो पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, वो 40 मार्क्स क्या ला रहा है, ज्यादा ला रहा है, यानी अगर मैं इसमें से 40 माइनस कर दूं तो ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर और ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर, यानी ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, बराबर हो जाएंगी। हमने क्या किया, पहली कंडीशन से पासिंग मार्क्स निकाले, दूसरी कंडीशन से पासिंग मार्क्स निकाले और दोनों को इक्वल कर दिया। अब मैंने इसे सॉल्व किया तो इधर आएगा 70 = 35%, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा आपका 8% 70/35। पूछा क्या गया है हमसे, मैक्सिमम मार्क्स यानी 100%, 35 से दो बार 2 × 100 = 200, सही, इतनी बात सबको क्लियर है, बड़ा सिंपल सा था। अब देखो अगर पेपर में ऐसे सवाल आ जाए तो आप क्या करते हैं, एक चीज याद रखिए, आपकी कुछ कंडीशन बनेगी, अगर एक स्टूडेंट फेल है और एक स्टूडेंट पास है, एक स्टूडेंट फेल है और एक स्टूडेंट पास है, तो आप क्या करेंगे, दोनों दिए गए मार्क्स को जोड़ देंगे, जितने से ज्यादा फेल और पास हो रहा है वो मार्क्स ऐड कर देंगे ऐसे सवालों में, यानी आप क्या करेंगे, मार्क वन जिससे ज्यादा था प्लस मार्क टू यानी जिससे कम था, ठीक है, पासिंग मार्क्स इससे एम वन मार्क्स ज्यादा है ना और पासिंग मार्क्स से एम टू मार्क्स कम है, इन दोनों को सम कर देंगे। अब क्या करेंगे, जितना परसेंट दिया गया था उन दोनों परसेंट का डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, डिफरेंस, यानी बड़े वाले में से छोटा माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं, और इनटू 100 कर देंगे, आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा।
तो अभी अगर मैं इसे देखूं तो दोनों मार्क्स जोड़े, दोनों परसेंट का डिफरेंस लिया, कितना हो गया 35 × 100, यही हमारी इक्वेशन बना रही। तो अब ये सवाल देखो कितना आसानी से हम कर सकते हैं, 25 और 60 का डिफरेंस 35, 30 और 40 का सम 70, 35% 70 के बराबर, तो 100% 200 के बराबर, दुगना हो रहा ना, आंसर 200 आ जाएगा। क्या होगा 70 35 के बराबर, तो 100% 200, सही। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि राम गॉट 30% मार्क्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स, श्याम गॉट 200 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15% मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अभी हमने क्या बताया था, एक बच्चा पास हो रहा और एक बच्चा फेल हो रहा, पर अब क्या कंडीशन आ गई कि दोनों बच्चे फेल। तो एक चीज याद रखिए, अगर दोनों बच्चे फेल हो रहे हो या दोनों बच्चे पास हो रहे हैं, दोनों बच्चे फेल हो रहे हो या दोनों बच्चे पास हो रहे हो, तो आप क्या करेंगे, मार्क्स का डिफरेंस लेंगे, यानी दिए गए मार्क्स का डिफरेंस लेंगे और नीचे क्या करेंगे, दी गई परसेंटेज का डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। केस वही है, दोनों जगह हम पासिंग मार्क्स बना के सॉल्व कर रहे हैं, पर इस तरीके से हमारा सवाल देखिए कितने जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 80 और 200 का डिफरेंस 120, डिवाइड बाय 30 और 15 का डिफरेंस 15 × 100 किया तो 15 से ये जाएगा 8 बार, आंसर आपका आ जाएगा 8, सही। आप इसे बेसिक मेथड से भी चेक कर सकते हैं, क्या 30% ला रहा है फेल हो रहा है 80 मार्क्स से, 200 मार्क्स ला रहा है फेल हो रहा है 15% से, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 15% 200 - 80 यानी 120, तो 100% कैसे निकलेगा बेटा, 120 डिवाइड बाय 15 × 100, आंसर आपका 800 ही आएगा, सही, सिंपल सा मेथड था। चलिए बहुत बढ़िया है ना, तो ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, क्या है जब एक बच्चा पास और एक बच्चा फेल हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ मार्क्स ले लेते हैं, नीचे परसेंटेज का डिफरेंस ले लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। और अगर दोनों बच्चे पास हो रहे हो या दोनों बच्चे फेल हो रहे हो तब मार्क्स का भी डिफरेंस लेते हैं और परसेंटेज का डिफरेंस लेते हैं, सही है, इतनी बात क्लियर हो गए दोनों तरीके के सवाल आपको, बहुत बढ़िया हो गया है ना। अच्छा अब देखो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें समझ में आ गया अगर दोनों बच्चे पास हो रहे हो या दोनों बच्चे फेल हो रहे हो तो डिफरेंस वाला पार्ट लेंगे, और अगर दोनों बच्चे पास हो रहे हो, एक बच्चा पास और एक बच्चा फेल हो रहा होगा तो सम वाला पार्ट। अच्छा अब देखो ये सवाल कितना आसान है, सवाल क्या कह रहा है, अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस allows a man to buy 1 kg more for rupees 270. Find the reduced price of the rice. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, एक बात समझो, अगर पहले कोई व्यक्ति 100 रुपए में क्या हो रहा था, 1 किलो कोई सामान ला रहा था, अब दाम घट 20% घट गया, दाम कितना हो गया 20% से कम हो गया, तो अब दाम कितना हो गया 80 रुपए, अब 80 रुपए में 1 किलो आ रहा है, क्या है ये जो 20% बचा है यानी जो 20 रुपए बचे हैं उससे वो क्या कर सकता है, आपका एक्स्ट्रा सामान खरीद सकता है, वो क्या कर सकता है, इस 20 रुपए में कितना ज्यादा आ जाएगा 250 ग्राम और आ जाएगा, सही। तो हमें क्या पता चला, जितना परसेंट कम हो रहा है उतने परसेंट में आपका एक्स्ट्रा वाली वैल्यू आ रही है। तो अब ये सवाल देखिए कितने आराम से हो जाएगा, क्या कह रहे, 10% इन द प्राइस ऑफ अलाउ द मैन टू बाय 1 kg मोर फॉर ₹270, 270 का 10% अगर हम लें यानी कितना हो रहा है 27 रुपए हो रहा है, इस 27 रुपए जो उसके पास बच रहे थे, 270 का 10%
यानी पहले जितना भी सामान आ रहा होगा वो 270 के 90% में आ जाएगा, बचा कितना हमारे पास 27। इस 27 रुपए में बेटा वो क्या कर रहा है, 1 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। अब तो घटा हुआ दाम कितना हो गया, 27 रुपए हो गया, सही। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, क्या कह रहा है, ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, शक्कर के दाम में कितने परसेंट की कमी आई है, 20%। अ मैन कैन बाय 5 kg मोर शुगर इन 1200 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। अब देखो ध्यान से समझो, क्या है 1200 रुपए का 20% उसके पास बचा हुआ, यानी कितने रुपए बचे थे, 240 रुपए बचे उसके पास। ये जो 240 बचे थे इसमें वो 5 किलो ला रहा था, यानी 1 किलो कितने का हो गया बेटा, 48 रुपए का। 1 किलो कितने का हो गया, 48 रुपए। और ये 48 रुपए क्या है, घटा हुआ दाम है, क्योंकि अब इस प्राइस में आ रहा है सामान, इस प्राइस से आ रहा है, तभी तो ये 5 किलो आ रहा है 240 रुपए। ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलेगा, अब देखो ये जो वैल्यू आई वो रिड्यूस प्राइस है, यानी घटा हुआ दाम है। ओरिजिनल प्राइस कैसे आएगा, ये जो 48 आ रहा है वो वास्तविक दाम का 80% है, क्योंकि 20% दाम क्या हुआ है बेटा, कम हुआ। अगर ये 48 रुपए 20% दाम कम होने पे आ रहा है, यानी 48 रुपए 80% के बराबर है, हमें ओरिजिनल प्राइस चाहिए, यानी 100% चाहिए। ₹60 आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आई गेस सिंपल सा सवाल था, एक लाइन में सॉल्व। चल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी। अगला सवाल कह रहा है, प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 10% ड्यू टू विच अ मैन कैन बाय 1 kg लेस टी इन रुपीज 2970। क्या हुआ, अब दाम बढ़ना रहा है, यानी 2970, ठीक है, इसका जो 10% होगा यानी 297, ये जो 297 आया है बेटा, इसमें ये जो 297 आया है इसमें वो जो 1 किलो कम आ रहा है ना, वो दाम कवर अप हुआ है टुकड़ों में, मतलब सबसे कुछ ना कुछ बच रहा होगा, हर किलो से का दाम कुछ ना कुछ परसेंट महंगा हुआ है, 10% महंगा हुआ है, तो हर में से 1 किलो का कुछ ना कुछ भाग एक्स्ट्रा आ रहा होगा, तो वो ओवरऑल कितना रुपए कम कर रहा है, 297। वो जो ओवरऑल में 297 कम कर रहा है उसमें कितना कम हो जा रहा है, 1 kg कम हो जा रहा है, यानी अब जो दाम बढ़कर आया है उसका 1 kg का प्राइस है 297, सही। अब वो फिर से कह रहे हैं ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस बेटा अगर मैंने 100 रुपए मानी थी, 10% बढ़ गया, यानी 110 हो, यानी ये जो 297 है वो 110 के बराबर, 100% कितने के बराबर होगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, 11 से 27 बार, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है वो हो गया 270। ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया, 270, सही। आप चेक कर सकते, 270 के दाम से अगर आप 2970 खरीद रहे होते तो कितना किलो आता, 0 0 11 बार, कितना आता हमारे पास, 11 kg आ रहा था जब 270 था। अब 2970 हो गया, प्राइस कितना है 297 एक केजी का, बड़ा हुआ दाम आ रहा था, 10 बार जाए, यानी 10% प्राइस बढ़ने की वजह से, 270 का 10% बढ़ के 297 हो गया, आपका कितने किलो कम आ रहा है, 1 किलो कम, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके के सवालों में हमें क्या करना होता है, बस हमें इतना याद रखना होता है, जितना भी प्राइस है उसमें जितना भी बढ़ या कम रहा है, अगर आप वो वैल्यू निकालेंगे तो उतने में उतनी वैल्यू कम या ज्यादा आएगी जो क्वेश्चन में बोली गई, तो यहां से आपका हमेशा रिड्यूस प्राइस आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस आप निकाल लेंगे, जो भी आपका घटा हुआ या आपका बढ़ा हुआ दाम आ रहा है, डिवाइड बाय जो भी अब उसका परसेंटेज है प्राइस का, चाहे वो 10% 110 हो या 90 हो, जैसा क्वेश्चन में दिया है, इनटू 100।
पर्सनल प्राइस। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल, अगला सवाल। टेस्ट फॉर मैथ एंड इंग्लिश इज कंडक्टेड इन अ क्लास ऑफ 600 स्टूडेंट। एक क्लास है जिसमें 600 बच्चे हैं, ठीक है। 67% स्टूडेंट पास इन मैथ्स। मैथ्स में पास होने वाले बच्चे आपके कितने हैं? 67। 53% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 53%। एंड 40% स्टूडेंट पास इन बोथ, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले बच्चे कितने हैं बेटा? 40%। अब देखो यहां से हमें क्या पता चला, क्या देन फाइंड द नंबर फेल्ड इन बोथ द क्लास एग्जामिनेशन निकालते हैं। देखो एक चीज हमें पता चली कि 67% और 53%, ये जो 40% है ना वो दोनों में आ रहा होगा, यानी इनका जो सम हो रहा है कितना हो रहा है आपका 120 हो रहा है। इस 120 में 40 जो है वो 40 इधर भी आ रहा होगा या और इधर भी आ रहा होगा, यानी ये 40 कितनी बार का ऐड हो गया? दो बार ऐड हो गया, तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 120 माइनस 40, यानी 80% बच्चे ऐसे हैं ओवरऑल में जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। तो फेल होने वाले बच्चे कितने हो गए? 100 का 80 निकाल माइनस कर दिया 20%, तो 600 का अगर हम 20% निकाल दें तो हमारे पास फेल होने वाले स्टूडेंट आ जाए 120। सही। अब देखो कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं, वो भी समझ लो, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? ये पूरी क्लास को एक स्क्वायर यूनिवर्स की तौर पे दिखा रहा है, इसकी क्वांटिटी है 600। दो डायग्राम बने आपके सर्किल, ये वेन डायग्राम बने, ठीक है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैथ्स। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश। मैथ्स में पास होने वाले बच्चे 67, इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे 53। ये पूरा सर्किल कितना दिखा रहा है? 53 बच्चों को। ये पूरा सर्किल कितना दिखा रहा है? 67 बच्चों को। दोनों में जो कॉमन बच्चे आ रहे हैं 40, वो इधर आ गए, यानी ये जो वैल्यू होगी ना उसमें वो 40 नहीं आएगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इस वाली वैल्यू में 40 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये कैसे आएगा? 67 माइनस 40। इसी प्रकार से ये वाली जो पार्ट होगा उसमें भी 40 नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 53 माइनस 40, तो ये कितना हो गया आपका? 27। और ये आपका हो गया 20। तो हमें पता चला ओनली मैथ्स में पास होने वाले बच्चे 27 है, ओनली इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे 23 है, बोथ मैथ एंड इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे आपके 40 है। टोटल बच्चे इस तरीके से किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हो रहे हैं हमारे? 80। 13 हो गए, गलती हो गई, 13 हो, ठीक है, टोटल बच्चे हो गए 80। तो 100 में से 80 बच्चे तो पास हो गए परसेंट में, तो परसेंट में कितने बच्चे फेल हो रहे होंगे? 20। तो 600 का 20%। अब इतना वेन डायग्राम बना के सॉल्व करने से अच्छा क्या है आप याद कर लीजिए। पास होने वाले बच्चे किसी एक सब्जेक्ट के, पास होने वाले बच्चे दूसरे सब्जेक्ट के, फेल होने वाले बच्चे दोनों सब्जेक्ट में, माइनस कर दे अगर पास होने वाले बच्चे दोनों सब्जेक्ट के, तो ये आपका 100% हो जाता है। ये क्या हो जाता है? 100%। अब आप इसको इजीली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फेल होने वाले बच्चे हम कैसे निकालेंगे दोनों सब्जेक्ट में? 100 माइनस 67 माइनस 53 प्लस का 40, चेंज कर दी ना पोजीशन, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा बेटा? आंसर आपका आ जाएगा 20। आपका सीधे परसेंट आ गया, 600 से निकाल लोगे 120 आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। आप सब अगला सवाल कह रहे हैं, इन एग्जामिनेशन 73% कैंडिडेट पास इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, 70% पास इन जनरल अवेयरनेस टेस्ट एंड 64% पास इन। तो
तो हमें क्या करना था, याद है हम क्या करेंगे, 73 70 ऐड कर लो, 73 और 70 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 143, कितना हो जाएगा 143, और उसमें से अगर आप 64 माइनस कर लोगे तो आपके पास बचेगा 79. क्या करा, 73 प्लस 70 माइनस का 64, ये कितना आ गया 79, यानी 79 ऐसा होगा आपके पास जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल होगा. तो फेल होने वाले बच्चे किसे निकालेंगे, 100 माइनस 79 यानी 21 बच्चे. अब क्या करना है, इफ बोथ, इफ 6300 बच्चे फेल हो रहे हैं बोथ द सब्जेक्ट में, 6300 बच्चे 21% के बराबर, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज 100%, 21 से ये कितनी बार जाएगा बेटा 300 बार, आंसर आपका आ गया सही. इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी, सेम वही कॉन्सेप्ट था हमारा. अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल में क्या कह रहा जा रहा है, 72% पास इन फर्स्ट सेम, 64% स्टूडेंट पास इन सेकेंड क्लास टेस्ट, 40% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट. अब आपको तीनों को ऐड कर लेना, तीनों को ऐड कर लेना है, 72 64 और आप 14 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 64 और 14 ऐड करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा आपका 78, और 78 में आप 72 ऐड कर दोगे 150, तो ये 150% आ रहा है, यानी 100 से 50% ज्यादा आ रहा है. क्यों 50% ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये जो 50 बच्चे होंगे 50% वो 72 में भी ऐड होंगे और 64 में भी ऐड होंगे. वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया, 100 बराबर होना चाहिए था किसके, देखो 72 प्लस 64 प्लस 14 माइनस दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे, फर्स्ट और सेकेंड टेस्ट में पास होने वाले बच्चे, ये इधर जाएगा 100 इधर आएगा, यही कंडीशन आपकी आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा इसे सही. नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इन अ सिटी 40% ऑफ पीपल आर लिटरेट एंड 60% आर पुअर, अमंग द रिच 10% आर इल, The परसेंटेज ऑफ द इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन इज, देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक कोई सिटी है जिसमें 100% लोग हैं, इसमें क्या किया इसने, दो क्राइटेरिया बांटे, क्या कहा 20% ऑफ द पीपल आर लिटरेट, 40% यानी 40% 40 लोग इलिटरेट है और 60 लोग लिटरेट है, ठीक है. अब क्या कह रहे हैं, 60% आर पुअर, 60% लोग पुअर हैं तो 40% लोग अमीर होंगे, रिच होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों डेटा अलग अलग है, ठीक है. अब क्या कह रहे हैं, अमंग द रिच 10% आर इल, अमंग द रिच, रिच कितने थे 40, 40 का 10% लोग इलिटरेट, 40 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4% लोग इलिटरेट है, या 4 लोग इलिटरेट है. हमारे पास टोटल इलिटरेट लोग कितने थे 40, इसमें से 4 लोग तो किसमें चले गए अमीरों में, तो अब कितने बचे हमारे पास 36, 40 में से 4 अमीर लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो बाकी 36 किसमें से होंगे गरीब में से. तो परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन, तो 36 लोग गरीब है, पुअर कितने थे 60, इसका कितने परसेंट हो गए 60. सही है, फिर से समझ लेते हैं, क्या कहा गया 100 लोग हैं, दो तरीके से ये 100 लोग बांटे गए, एक बांटे गए इलिटरेट जो है 40, तो लिटरेट कितने हो गए आपके 60, सही है. दूसरी बार ये 100 को कैसे बांटा गया, पुअर है 60 तो रिच हो गए 40. अब आपसे कहा गया रिच इलिटरेट लोग, रिच इलिटरेट लोग कितने हैं 40 का 10%, यानी कि 4,
तो पुअर इलिटरेट लोग कितने हो गए? लिटरेट इलिटरेट थे 40, चार अमीर थे, बचे 36 गरीब में से। तो गरीबों का ये कितना परसेंट है? 36 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, सॉरी 60%। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 बार, 6 इंटू 10 60%। चलो पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सबके। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द गर्ल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। यानी किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। क्या कहा जा रहा है? 20% लड़के और 25% लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर है। तो देखो इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, हम बॉयज को मान लेंगे 300 और गर्ल्स को मान लेंगे 200, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। अब क्या है, 20% लड़के क्या है? स्कॉलरशिप होल्डर है। तो बॉयज जिन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है वो क्या हो जाएगा? 20 का मतलब होता है 1/5, तो ये कितना हो गया? 60। गर्ल्स जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है वो 25% है, यानी 1/4, 200 का 1/4 यानी 50। द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। तो अब एक बात समझो, 60 और 50, 110 लोग हो गए। तो हमें पता है 500 बच्चों में से 110 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, यानी कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी बेटा? 390 बच्चों। 390 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, कितनों में से? 500 में। कितना हो जाएगा ये? 78। यानी 78% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं। क्लियर? और ये है आज का आखिरी सवाल। ये आखिरी सवाल आप सबके लिए होमवर्क के तौर पर है, आप लोग इसे सॉल्व करें घर पर और इसका आंसर दें। फिर अगली क्लास में हम आपको बताएंगे इसको हम लोग कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के जो सेशन है वो बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो इसे करें लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में हमें लिखकर बताएं आप आगे क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।